विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पे देखा था कि चारों स्त्रियाँ कुएं के पास पे बैठकर अपने अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी। उसमें सबसे पहली स्त्री ने क्या कहा था? उसने कहा था कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। ऐसा पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा था। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा था? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा था कि मेरा बेटा मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है और बहादुर भी है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? जब दोनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की विशेषता दर्शाकर उसकी प्रशंसा की, तब तीसरी औरत ने अपने बेटे के बारे में बताया कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती जी का निवास हो। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय वो कुछ नहीं बोली। उसने जब तीनों औरतों ने बोला, टोकते हुए कहा कि तुम क्यों चुप हो, तो चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से क्या कहा था कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। तो वैसे उसने अपने बेटे के बारे में कुछ परिचय नहीं दिया। अब हम प्रश्न नंबर दो की बात करते हैं। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। एक, यही सच्चा हीरा है। तो यह वाक्य वृद्ध महिला थी जो चारों स्त्रियों की बात सुन रही थी, चारों औरतें थी उनकी बात सुन रही थी, तो उनसे वृद्ध महिला ने चारों महिलाओं से कहा। दो, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तो यह वाक्य चौथी स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो यह वाक्य पहली स्त्री ने दूसरी जो तीन स्त्रियाँ थी उनको कहा। उसका बेटा गा रहा था तो उसे देखकर पहली स्त्री ने तीन स्त्रियाँ खड़ी थी उनसे कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो यह वाक्य तीसरी जो स्त्री थी उसने बाकी बची स्त्रियों को कहा था, क्योंकि उसका बेटा संस्कृत के श्लोक का पठन करता हुआ वहाँ से निकला तो उसे देखकर तीसरी स्त्री ने दूसरी औरतों को कहा, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो यह वाक्य देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, यह वाक्य दूसरी स्त्री ने गर्व से बाकी बची स्त्रियों को कहा। उसका बेटा वहाँ से निकला तो उसकी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में बात करते हुए दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को दिखाकर कहा। उसके बाद है भाषा सज्जता। तो भाषा सज्जता की बात हम बाद में करेंगे। थैंक यू।